और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि बीच गोहान और टीयूआई गोकू की पूरी फाइट कोई देख रहा होता है और देखने वाला और कोई नहीं, पहला सुपर सैन गॉड यामोशी होता है। यामोशी कहता है, गोकू मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा गोहान भी इतना ताकतवर होगा, लेकिन गोकू मैं तुमसे तभी मिल सकता हूँ जब तुम अपने टीचर विस से आगे निकल जाओगे, क्योंकि मेरी ताकतें अभी तुमसे कई गुना ज्यादा है और इसीलिए तुमसे अभी मिलना मेरे लिए बहुत ही बेकार साबित होगा। इतना कहने के बाद यामोशी आगे कहता है, मैं सबसे पहला सुपर सैन गॉड हूँ, मैं सबसे ताकतवर सैयन होने के बाद भी गोकू मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि गोकू मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं तुम पर तुम्हारे पैदा होने से लेकर अब तक तुम पर नजर रखता आया हूँ। हम देखते हैं यामोशी ये सारी बातें मल्टीवर्स के बाहर किसी डायमेंशन में खड़े रहकर कह रहा होता है। इसके बाद यामोशी आगे कहता है, मैंने ये देखा है कि तुम मेरी वजह से यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन गोकू तुम्हें और ताकतवर होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सभी सैयन्स बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं और यहाँ तक कि हमारी पूरी सैयन जाति ही खत्म हो सकती है। मेरी मुलाकात तुमसे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गोकू, हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट गोहान और टीयूआई गोकू की ये पूरी फाइट एक कांच के गोले में और भी कोई मिस्टीरियस पर्सन देख रहा होता है और वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, मेरे छोटे भाई गोहान, मैं देख रहा हूँ कि तुम हमारे डैड सन गोकू को काफी अच्छी टक्कर दे रहे हो, लेकिन हमेशा की तरह डैड अपनी ताकत को छुपा कर रखते हैं और गोहान तुम्हें तो पता भी नहीं कि डैड ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। सन गोकू, मेरे प्यारे डैड, मैं हूँ आपका तीसरा बेटा जाइकोर और आपको मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। इसके बाद जाइकोर आगे कहता है, 25 साल तक सबर और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो समय आ गया कि डैड मैं आपको मार के पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन बन जाऊं। वैसे तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी मॉम ऐसा चाहती है ना मॉम। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सुप्रीम काई लेडी को जो जाइकोर की मॉम होती है और वो सुप्रीम काई लेडी कहती है, अगर फ्रीजा नहीं होता तो जाइकोर तुम अपने डैड सन गोकू से ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाते। इसके बाद हमें ब्लैक फ्रीजा को दिखाया जाता है और ब्लैक फ्रीजा किसी प्लेनेट पर रहता है और हंस रहा होता है और ब्लैक फ्रीजा कहता है कि मुझे उन बंदरों को देखे हुए लगभग 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वो बंदरों को मेरा स्वागत ना चाहकर भी करना पड़ेगा। मैं इंपरर फ्रीजा एक बार फिर से राज करने आ चुका हूँ। इतना कहने के बाद फ्रीजा हंसने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू गोहान से कहता है, गोहान तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की है, मुझे लगता है तुम्हें देखकर गोटेन भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। गोहान कहता है, क्या गोटेन? गोकू कहता है, हाँ गोहान, तुम्हारे और गोटेन के सिवा और कोई बेटा थोड़ी है मेरा। गोहान कहता है, नहीं डैड, गोटेन को जब से सुपर सैन बनना आता है तब से उसने कोई ट्रेनिंग नहीं की है। गोकू कहता है, क्या गोटेन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? गोहान कहता है, डैड एक बात कहूँ? गोकू कहता है, हाँ कहो गोहान। गोहान कहता है, डैड क्या आपने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था या फिर नहीं? गोकू कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गोहान, मैंने पूरी कोशिश की थी। गोकू के इतना कहने के बाद गोहान मन ही मन कहता है, अगर डैड ने अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश की है तो मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डैड हमेशा मेरे लिए लड़ते रहे जैसे उन्होंने फ्रीजा के समय किया था। इतना कहने के बाद गोहान आगे कहता है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि डैड मैं आपके लिए लड़ूं और इसके लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है और गोकू मन ही मन कहता है, गोहान को कैसे पता चला कि मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, बल्कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए बस थोड़ा सा ही पीछे था, लेकिन मैंने गोहान को अपनी पूरी ताकत ना दिखाकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो गोहान और ज्यादा स्ट्रांग होने के बारे में कभी नहीं सोचता। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा टर्न्स के बारे में सोच रहा होता है और फिर वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, मैं कुछ समय बाद मिलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। गोकू कहता है, हाँ ठीक है वेजिटा, जैसा तुम चाहो। इसके बाद विस कहता है, लॉर्ड बीरस, क्यों ना हम तब तक अर्थ के कुछ डिलीशियस चीजों से मिल लेते हैं, क्या पता कोई नई डिश बनी हो। बीरस कहता है, हाँ चलो विस, तुम्हारी इन बातों से मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी चलो। पिकलो ब्रॉली से कहता है, मैंने क्या तुमसे अभी तक कोई बात नहीं की, क्या तुम्हें कुछ कहना है ब्रॉली? ब्रॉली कहता है, मैं चिलाई और लीमो के पास जा रहा हूँ। पिकलो ब्रॉली से फ्रेंडली होने के लिए कहता है, तुम्हारी हाइट तो मेरे बराबर है या थोड़ा सा फर्क है। लेकिन हम देखते हैं कि पिकलो की बात पूरी भी नहीं हुई होती है और ब्रॉली वहाँ से चला जाता है। पिकलो कहता है, लगता है तुम्हें नए दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद पिकलो गोकू से कहता है, वैसे गोकू तुम्हें पैन से भी मिलना चाहिए, वो 5 साल की हो गई है और स्कूल भी जाती है। गोकू पिकलो से कहता है,
हाँ पिकलो, मुझे मिलना है क्रिलेन, मास्टर ओशी, मुझे सभी से मिलना है। इसके बाद गोकू, पिकलो और गोहान सभी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि बुलमा जी फाइटर्स को बुला चुकी रहती है और बाकी सब भी इंजॉय कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ब्रॉली, चिलाई, लीमू, विज और बीरस सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर गोहान, गोकू और पिकलो आ जाते हैं। गोकू आने के बाद सबसे पहले पैन से मिलता है, इसके बाद चीची के गुस्से का सामना करता है क्योंकि गोकू इतने महीनों से घर पर नहीं आया था। क्रिलेन चीची से कहता है, शांत हो जाओ चीची, गोकू तो सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहा था। इसके बाद वहाँ पर गोटेन आ जाता है और देखकर कहता है, डैड आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। गोकू कहता है, गोटेन तुम्हारी हाइट इतनी लंबी हो गई है या फिर तुम बड़े हो गए हो? गोहान कहता है, डैड आप भूल गए, हम सेयंस की हाइट 15 से 16 साल तक बच्चे जैसी होती है और 15-16 साल के बाद हमारी हाइट बहुत ही तेजी से बढ़ती है और एक एवरेज हाइट पर पहुंच जाती है। गोकू कहता है, हाँ गोहान मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी भी हाइट 15-16 साल की उम्र के बाद बहुत ही तेजी से बढ़ गई थी। इसके बाद बुलमा आती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो चिल्ला कर कहती है, वेजिटा कहाँ पर है? एक तो वो इतने महीनों बाद घर वापस आया है और ऊपर से अपने फैमिली के साथ कुछ समय बिता भी नहीं सकता। गोकू कहता है, हाँ उसने कुछ कहा था कि कुछ जरूरी काम है उसे। पिकलो बुलमा का गुस्सा देखकर मन ही मन कहता है, लगता है सेयंस का गुस्सा उनके अपने घरों में बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वेजिटा गया कहाँ। हम देखते हैं कि वेजिटा ट्रंक्स के सामने खड़े रहता है। वेजिटा ट्रंक्स से कहता है, तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है कि तुम एक सेयन हो, है ना ट्रंक्स? ट्रंक्स कहता है, हाँ डैड आपने सही कहा, लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ट्रंक्स ये बात हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन वेजिटा चिल्लाकर कहता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो ट्रंक्स? ट्रंक्स वेजिटा का ऐसा रूप देखकर डर जाता है। इसके बाद वेजिटा दिखता है और कहता है, लगता है मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन ट्रंक्स मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो, तुम एक सेयन हो और एक बेवकूफी होगा जो सेयन होने के बाद अपनी ताकतों को बढ़ाना बंद कर दे। ट्रंक्स कहता है, डैड वैसे आप अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। वेजिटा आराम से कहता है, मैं बस यहाँ इतना कहने आया था कि तुम अपनी ताकतों पर ध्यान दो, तुम एक सेयन हो, अपने अंदर झांक कर देखो। ट्रंक्स मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे अगली बार मिलूं तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। इतना कहने के बाद वेजिटा वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी ट्रंक्स कहता है, ठीक है डैड मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आगे ट्रंक्स कहता है, चलिए डैड हम साथ में चलते हैं, लेकिन वेजिटा वहाँ से जा चुका रहता है। इसके बाद वेजिटा सबके पास जाता है और सबसे पहले बुल्ला से मिलता है। बुलमा वेजिटा को देखकर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन वेजिटा बुल्ला से मिलता है जिसकी वजह से बुलमा कुछ नहीं कहती है। इसके बाद ट्रंक्स आता है और कहता है, डैड आप मुझसे पहले यहाँ पर पहुँच गए। पिकलो ट्रंक्स की बात सुनकर मनी मन कहता है, ओह अभी समझ में आया कि वेजिटा कहाँ गया था, मैं तो भूल ही गया था कि वेजिटा को भी अपने फैमिली की काफी फिक्र होती है। और फिर कुछ समय बीत जाते हैं, गोकू वेजिटा भी खाना खा चुके रहते हैं और सब के सब साथ में खड़े होते हैं। गोकू कहता है, ठीक है अब वक्त आ गया है, हम यहाँ पर कुछ दिनों पर आते रहेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि विस अपने उड़न खटोले के साथ सबके साथ जाने वाला होता है, लेकिन तभी चीची गुस्से से गोकू को पकड़ने के लिए आगे आती है। लेकिन गोहान और गोटेन चीची को पकड़ लेते हैं और चीची चिल्लाकर कहती है, कोई विलेन नहीं है, तुम्हें अब ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें घर पर रहना चाहिए, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? वेजिटा विस के साथ जाते हुए ट्रंक्स को देखता है और ट्रंक्स समझ जाता है कि डैड मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। ट्रंक्स ये देखकर मनी मन कहता है, चिंता मत कीजिए डैड, मैं गोटेन के साथ ट्रेनिंग करूंगा, आप बदलाव देखना चाहते हैं ना डैड, मैं बदल कर दिखाऊंगा। और इसके बाद 35 मिनट के सफर के बाद विस अपने उड़न खटोले के साथ बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। और जैसे ही विस के साथ ब्रॉली, गोकू, वेजिटा, चिलाई, लीमू, बीरस पहुंचते हैं, वैसे ही हमें जाइकोर का सीन दिखाया जाता है। जाइकोर अपनी मॉम से कहता है, बस आपके कहने की देर है मॉम, जैसे ही आप कहेंगे वैसे ही अर्थ पर अपना दबदबा और अपनी दहशत करना हम शुरू कर देंगे। और इसके बाद जाइकोर की मॉम कहती है, क्यों ना हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करें जहां से हमें सबसे ज्यादा मजा आएगा। और इतना कहने के बाद जाइकोर की मॉम हंसने लगती है। और इसके बाद हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। गोकू विस से कहता है, तो विस बताओ हमें कहां से शुरू करना चाहिए? लेकिन तभी ब्रॉली कहता है, मुझे गोकू की तरह सुपर सेन से भी ऊपर नई ताकत को हासिल करना है। क्या करो, तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। गोकू कहता है, लेकिन ब्रॉली तुम्हें सबसे पहले अपनी लेजेंडरी सुपर सेन को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीखना होगा। ब्रॉली ये सुनकर एकदम से निराश हो जाता है। लेकिन तभी विस कहता है, ब्रॉली निराश ना हो, इसीलिए मैं तुम सभी को कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद तुम सभी बहुत ही खुश हो जाओगे। इसके बाद विस अपने स्टाफ से एक ट्रायंगल शेप का एक रूम निकालता है। विस कहता है, ये एक ऐसा टाइम चेंबर है जहाँ पर गोकू तुम अगर ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारी उम्र जल्दी नहीं बढ़ेगी और तुम्हें काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग करने को मिलेगा। वेजिटा विस से कहता है, विस तुम्हें पता है अर्थ के हाइपरबॉल टाइम चेंबर की वजह से हमारी उम्र कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा टाइम चेंबर था जिससे हम अपनी उम्र को रोक सकते हैं तो हमें पहले क्यों नहीं बताया तुमने? विस कहता है,
मैंने पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तब तुम इस टाइम चैम्बर में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे इस टाइम चैम्बर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है जितनी तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे सोच के भी परे है। वेजिटा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तब कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम चैम्बर में मैं, गोकू और ब्रॉली जाएंगे, इसके अलावा तुम वेजिटा नहीं जा सकते। वेजिटा विस से कहता है, लेकिन मैं क्यों नहीं, जरा बताओगे मुझे? विस कहता है, इसका जवाब तुम्हें खुद पता चल जाएगा, पीछे मुड़कर देखो वेजिटा। बीरस वेजिटा से कहता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी अधूरी ट्रेनिंग सीख कर जाए। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस मैं आपके साथ ही ट्रेनिंग करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन इस टाइम चैम्बर के अंदर। बीरस कहता है, बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ, मेरे यूनिवर्स में मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, पार्ट 9 कमेंट कर दो जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर देखो, क्योंकि अभी ये सीरीज ज्यादा लंबी नहीं हुई है। जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। मैं मिलता हूँ गोकू पार्ट 9 में, तब तक के लिए बाय।